हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता और आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा मसाला। सबसे पहले हम 1 कप या 200 ग्राम राजमा लेते हैं। इसको 6 से 7 घंटे पानी में भिगो कर रखते हैं। आप चाहें तो पूरी रात भी भिगो सकते हैं। अब हम एक कुकर में राजमा, जिस कप से राजमा लिया था उसी से 3 कप पानी, आधी छोटी चम्मच नमक और 1 पिंच मीठा सोडा या खाने वाला सोडा डालकर मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाते हैं। हमारा राजमा उबल कर तैयार हो गया है। अब हम एक पैन लेते हैं, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं। मैंने सरसों का तेल यूज किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल के गर्म होने पर इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा के हल्के ब्राउन होने तक भूनते हैं। उसके बाद इसमें 3 हरी मिर्च काट कर डाल देते हैं। मिर्च को हम 1 मिनट फ्राई करते हैं। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको बारीक चॉप करके इसमें डाल देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। इसको भूनने में 4 से 5 मिनट लगता है। ये हमारा भुनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, इसको मैंने मिलाकर मिक्सी में पीस लिया था, इसको हम डाल देते हैं और इसको 2-3 मिनट भूनते हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालते हैं। देगी मिर्च कलर देता है पर तीखा नहीं होता है। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। प्यूरी बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, इसको आप देख सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करते हैं और इसको तब तक भूनते हैं जब तक कि साइड से तेल दिखने ना लगे। इसको 8 से 9 मिनट भूनने में लगते हैं। हमारा 8 से 9 मिनट हो गया है और मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो राजमा हमने उबाला था इसको पानी के साथ ही इसमें डाल देते हैं। पानी ग्रेवी की जगह यूज हो जाता है। इसको हम अब चलाते हैं और इसमें 1.5 छोटी चम्मच नमक डालते हैं। नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राजमा उबलने लगा है, अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालते हैं। ये मैंने घर का मसाला डाला है और मार्केट वाली आप 1 छोटी चम्मच तक डाल सकते हैं। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट पकाते हैं। हमारा राजमा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। राजमा को आप नान, चपाती, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। राजमा को हमने निकाल लिया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।